गांव फोगा में जमीन को लेकर मारपीट में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के गांव फोगा में जमीन को लेकर हुए मामूली विवाद में एक ही परिवार के 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रोमा वार्ड में भर्ती किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक गांव फोगा में जमीन में पट्टी लगाने की बात को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुँच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर 3 महिलाओं सहित 4 जनों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायल महिला 35 वर्षीय राजू ने रविवार को बताया कि उसके पड़ोसी रतन सिंह, देवी सिंह, कालू सिंह, राम सिंह, हनुमान सिंह, किशन सिंह और घर की महिलाओं ने लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की, जिसमें 75 वर्षीय दुर्गा, 44 वर्षीय कमला, 35 वर्षीय राजू, 45 वर्षीय शंकरलाल घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें ट्रोमा वार्ड में भर्ती किया गया है। मैं तो इतने कहा न तो क्या ना तो ये फिर खुद कर सो कार्रवाई करिया। अब हम मुद्दो इस तरह से ये कमी के जिला जी पर चीखो बंद करना था आशा के मारनी कौन कौन है? मारनी रतन सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह दो, रतन सिंह, भूखी सिंह, राम सिंह, 3 बांगे छोरिया।